जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश खोजी। दोस्तों, एसएससी जीडी 2024 की नई वैकेंसी को लेकर एक नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है और इसके संबंध में मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए कि सर 2024 की जो एक भर्ती का नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है 32,895 वैकेंसी का, जो कि आपने देख भी लिया होगा। इसके अलावा और भी कमेंट आ रहे थे कि सर जो एसएससी जीडी की 2024 की वैकेंसी आएगी नहीं आएगी, कब आएगी, और ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या दे रखा है कि आपकी 2023 के अंदर इस भर्ती के एग्जामिनेशन की डेट दे रखी है, 2023 में भर्ती आएगी। इसका एक जो वायरल नोटिस की सच्चाई के बारे में बात करेंगे। चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं कर लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों, एसएससी जीडी की जो नई वैकेंसी की अगर हम बात करें जो नोटिफिकेशन वायरल हो रहा है, इससे पहले देखो एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है ना आएगी जरूर। अब इस जो नोटिस है आपका जो वायरल नोटिफिकेशन चल रहा है इसको ये नहीं मानते कि सच है कि झूठ है, लेकिन एसएससी के थ्रू जितनी भी फोर्सेज हैं, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएससीबी है, सीआर, जितनी भी फोर्सेज हैं सभी के अंदर वैकेंसी खाली है। क्योंकि आपको पता है कि जब वैकेंसी जब रिलीज की गई थी उसके बाद में जितने भी मतलब कितने जो प्रमोट होते हैं, तो जितने भी एक किसी भी रैंक का प्रमोशन होगा, जैसे कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनेगा या फिर हेड कांस्टेबल सीएसआई बनेगा, ऐसे कोई भी रैंक का प्रमोशन होता तो आप ये मान के चलो कि कांस्टेबल की वैकेंसी खाली होती है। इसके अलावा किसी भी रैंक का जवान अगर पेंशन जाता है तो भी कांस्टेबल की वैकेंसी खाली होती है। क्योंकि देखो जैसे मान के चलो इंस्पेक्टर पेंशन गया तो इंस्पेक्टर की वैकेंसी जो खाली होगी उसको भरने के लिए एसआई से इंस्पेक्टर बनाना पड़ेगा, एसआई को एसआई बनाना पड़ेगा, हवलदार को एसआई बनाना पड़ेगा और सिपाही को हवलदार बना दिया, अब सिपाही की वैकेंसी खाली होगी। सेम जैसे अभी पेंशन जा रहा है, किसी की डेथ हो गई, प्रमोट हो गया, किसी भी प्रकार से आप मानेंगे तो हर साल मतलब सीआरपीएच, बीएसएफ, एचआईटी सभी के अंदर जो कांस्टेबल की वैकेंसी जो है वो खाली हो रही है। तो वैकेंसी तो आप ये मान के चले कि आने वाली है, लेकिन ये जो वायरल नोटिफिकेशन है इसको हम सच नहीं मान सकते। और भाई जब तक आप एसएससी जीडी की जो ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आएगा तब तक भाई मैं नहीं बोल सकता कि कंफर्म है, लेकिन वैकेंसी आपकी आने वाली है। रही बात 2023 के अंदर भी आपकी एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपका फाइनल प्रोसेस हो जाएगी, तो इतना जहां तक मेरा विचार है इतना जल्दी आपकी प्रोसेस कंप्लीट होने वाली नहीं है। क्योंकि एसएससी जीडी की जो अभी है 2022 वाली की भर्ती का ज्वाइनिंग आएगा, ये ज्वाइनिंग आने के बाद जब इनको ट्रेनिंग सेंटर में भेज देंगे तो जब तक इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक मतलब मुश्किल है कि जो नई एसएससी जीडी आकर उनको मतलब ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाए, ज्वाइन करवा दिया जाए। क्योंकि ट्रेनिंग सेंटरों के अंदर जितनी वैकेंसी है अभी ये जो नए जाएंगे इनको ट्रेनिंग कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद ही नए रिक्रूट को ट्रेनिंग करवाई जा सकती है। कुछ जगह पे हो सकता है कि ले ले, लेकिन अच्छे खासे पदों पर वैकेंसी आ रही तो बहुत ज्यादा हर फोर्स के अंदर पद आएंगे, तो सभी को एक मतलब जो ऑलरेडी ट्रेनिंग चल रही है फिर नए रिक्रूट भर्ती करके उनको ट्रेनिंग करवाना, उनका मतलब पूरा एडमिनिस्ट्रेशन देखना, रहना की सुविधा, खाने पीने की सुविधा, ट्रेनिंग की सुविधा, तो थोड़ा इम्पोसिबल लग रहा है। अगर वैकेंसी आएगी भी तो जहां तक मेरे विचार 2024 के अंदर आएगी और वो सेम प्रोसेस आपकी 2024 के एंडिंग तक आपकी प्रोसेस कंप्लीट होगी, और जब इनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में फिर आपका ट्रेनिंग के लिए जो 2024 में भर्ती होंगे उनको भेजा जाएगा। क्योंकि इनकी ट्रेनिंग अभी अक्टूबर नवंबर के समथिंग सभी फोर्सेज में शुरू हो रही है और इनकी कंप्लीट होते होते 2024 की अक्टूबर नवंबर आ जाएगी, तो उसी के बाद नई जो रिक्रूट भर्ती होंगे उनको बुलाया जाएगा। तो जहां तक यह है कि इस नोटिफिकेशन को मैं सच भी नहीं मान सकता, झूठ भी नहीं बोल सकता, क्योंकि कोई ऑफिशियल तो इसके अंदर जानकारी नहीं है, लेकिन इतना कन्फर्म है कि वैकेंसी आपकी आएगी, ये वाली 2023 वाली नहीं तो 24 में आप ये मान के चलो कि 100% वैकेंसी आपकी आने की पूरी पूरी संभावना है। जिस हिसाब से जो देखा जा रहा है, जिस हिसाब से फास्ट कार्रवाई आपकी की गई इस बार एसएससी जीडी में, इस हिसाब से क्योंकि जो जवानों की जो डिफिशियंसी चल रही थी उसको करना था पूरा, उसके बाद में नए जवान भर्ती करने पड़े, तो फिर 2024 में आपको इसकी नोटिफिकेशन और भर्ती की पूरी प्रोसेस देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट आए थे इसलिए मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया, नहीं तो मेरा बनाने का कोई विचार था नहीं। तो जहां तक मैं तो देखो इसके संबंध में अगर आपको क्या लगता है कि ये नोटिफिकेशन सच है कि झूठ है कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन जब तक देखो सच्चाई तभी मानी जाएगी जब एसएससी जीडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे या जो रोजगार समाचार जैसी जगह पे कहीं पे आ जाए तभी इसको सच माना जाता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी, जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।